दिल्ली में 77वें स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हम फिलहाल लाल किले के ठीक बाहर मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। काफी भव्य तरीके से लाल किले को सजाया जा चुका है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो दिल्ली में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी हमले की साजिश भी रची गई है और G20 से पहले भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की जो साजिश है वो खुफिया एजेंसियों के पास फरवरी 2023 में जो इनपुट मिला था उसके आधार पर ये सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन सामने आप देख पाएंगे किस तरह से चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस के जो आला अफसर हैं और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के तमाम जो कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ पर तैनात दिखेंगे। भारी संख्या में इनकी तैनाती की गई है। लगभग दिल्ली में कुल 40,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और लाल किले के आसपास 1,000 के करीब CCTV कैमरे से इस पूरे रूट की जो है वो लाल किले के आसपास वाले पूरे रूट की जो है वो निगरानी भी रखी गई है। फेस रिकॉग्निशन वाले CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। और लेकिन जो इनपुट मिला है उसके आधार पर मई 2023 में जो इनपुट मिला था लश्करे तैयबा से एक आतंकी पाकिस्तानी आतंकी ने अपने सहयोगियों को दिल्ली की प्रमुख सड़कों, रेलवे प्रतिष्ठानों, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और NIA दफ्तर समेत कई जो अन्य जगहों को टोह लेने का निर्देश भी दिया था। 2023 में POK स्थित एक आतंकी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो में दावा किया गया था कि जैश मोहम्मद दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। और जो ये स्वतंत्रता दिवस का मौका है और जिसके चलते पाकिस्तानी जो संगठन हैं उनसे इनको काफ़ी ज़्यादा जो खतरा है वो साफ तौर से है, जिसके चलते अब जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो रखी जा रही है। हालांकि जो खतरा है वो घरेलू आतंकी संगठन और सिख उग्रवादी भी हैं, उनसे भी खतरा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली पुलिस के आला अफसर हैं वो इस खतरे को भी देखते हुए और जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस की ओर से हर चप्पे चप्पे पर की गई है और CCTV कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। जो अलर्ट है वो पूरे अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिस फिलहाल काम कर रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं 77वें स्वतंत्रता दिवस की और जिसके चलते तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की अगर संख्या भी जोड़ ली जाए तो 40,000 से भी ज़्यादा के करीब सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध कॉल को तुरंत रिस्पॉन्स करके जो पुलिस की टीम है वो उस पर एक्शन ले रही है और हर जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसे मेंटेन करने का जो प्रयास है वो पुलिस की ओर से किया जा रहा है और किसी भी आतंकी खतरे से निपटने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस की ओर से हर संभव तरीके से जो कोशिश है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़ दिल्ली।